प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल नारे को अपनाते हुए जिला कांगड़ा के रैत गांव की महिला सुदर्शना देवी देशवासियों के लिए प्रेरणा बन गई है। दिव्यांग होने के बावजूद सुदर्शना ने अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए चीड़ की पत्तियों से आकर्षक राखियों सहित घरेलू प्रयोग में अपनाए जाने वाले अन्य उत्पाद बनाए हैं। राज्य स्तरीय स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित सुदर्शना देवी इन उत्पादों के सहारे घर की आर्थिकी में भी सहयोग दे रही हैं। सुदर्शना ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लोकल फॉर वोकल का आह्वान करने के बाद उन्होंने चील की पत्तियों से राखी बनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि राखी बनाने के बाद उन्होंने इसके फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। सुदर्शना ने बताया कि बाहरी राज्यों में अब तक वे 150 से 200 राखियां ऑर्डर पर भेज चुकी हैं और प्रतिदिन घर पर भी राखियों को खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। इस बार जो मोदी जी का आह्वान था कि वोकल फॉर लोकल, तो मैंने सोचा कि इसको मैं इसका क्या करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि राखियां बनाऊं मैं, अगर बन जाएंगी तो मैंने प्रयास किया तो इसकी राखी अच्छी बन गई और सुंदर लगी मेरे को। तो इसमें राखियां बनाने में मैंने पाइन नीडल का यूज़ किया, धागे का यूज़ किया और थोड़े थोड़े मोतियों का भी यूज़ किया। अभी ये बिक रही हैं सर, ये 20 से 25 रुपए में बिक रही हैं राखियाँ। तो मेरे को कुछ आउट ऑफ स्टेट से भी मेरे को ऑर्डर आए थे, 150-160 के करीब राखी भेज दी है बाहर ऑर्डर पे ना। और लोकल तो सर 10-20 रोज घर पे घर से ले जा रहे हैं लोग। चीड़ की पत्तियों पर वर्ष 2007 से काम कर रही सुदर्शना का कहना है कि उन्होंने इन पत्तियों से टोकरी बनाने की शुरुआत की थी। लगातार काम करने के साथ साथ उन्हें नए नए विचार आते गए और उन्होंने चीड़ की पत्तियों से घरों में इस्तेमाल होने वाले कई सजावटी उत्पाद भी बनाए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में स्टार्टअप हिमाचल की ओर से उन्हें IIT मंडी ने 1,00,000 रुपए का हीरो ऑफ स्टेट अवार्ड भी प्रदान किया। इसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा भी इस कार्य को प्रोत्साहित किया गया। सरकार की सहायता तो ये मिली जब प्रोडक्ट उन्होंने पहली बार देखा था, तो DRDA ब्लॉक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, वहाँ से उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए थे। तो मैंने हिमाचल में 5-6 हज़ार लेडीज़ को ट्रेंड किया है, तो वो लेडीज़ भी काम कर रही हैं। और बाकी मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से ही सहायता मिली है कि जो इंक्यूबेशन के लिए मेरे को इसके, क्योंकि इसमें वो नेचुरल डाई के साथ अगर ये मेरा प्रोडक्ट बिकेगा तो इसकी ज़्यादा वो सेल भी होगी और ये प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम बड़ी फिर बात भी नहीं रहेगी। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में चीड़ की पत्तियों से कई उत्पाद बनाने के बाद सुदर्शना को उन्हें बाजार तक पहुंचाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए हर कार्य लगातार जारी रखा। इस अपार सफलता के बाद सुदर्शना आज देशवासियों के लिए प्रेरणा बनी है। DD News के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।